साल 2013 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले भाजपा के उम्मीदवार रमेश मेंदुला ने कहा कि वे ना तो कोई नौकरी कर सके और ना ही कोई व्यापार, जिसके चलते अब तक वे अविवाहित हैं। इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया से चर्चा करते हुए मेंदुला ने कहा कि वह ना ठेकेदारी करते हैं, ना कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं और ना ही कहीं नौकरी करते हैं। हम नौकरी व्यवसाय नहीं कर सके तो बहुत सारी कमियां रह गई हम में, कोई लड़की नहीं देता हमको। इसके कारण कोई लड़की नहीं देता परंतु एक चीज आज तक ये बताए कि वहाँ पर गरीब परिवार रहते थे 10 साल में, तो आपने उनके शिक्षण के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की थी अपने सहयोग से, छात्रवृत्ति या ये सब कुछ? देखिए, हमने तो बहुत अच्छे स्कूल बनाए, मैंने प्राइवेट स्कूल से अच्छा माहौल, अच्छा ग्राउंड, अच्छी सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद भी जो बच्चों वहाँ प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, विधायक निधि से हम जितना पैसा हमको मिलता है पूरा का पूरा पैसा बच्चों की शिक्षा में, उनके विवाह में, उनके स्वास्थ्य में, हमको पूरा पैसे ही जो मिलता है सरकार का, और अपने जो मित्र यार रहते हैं जो होता है जितना सही हम कर सकते हैं, कई धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है जो आर्थिक मदद करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, वो सब लोग उनकी मदद करते हैं। तो ऐसा कोई बच्चा आपको नहीं मिलेगा जो पैसे के अभाव में कोई अच्छी से अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाए। एक सवाल से ज्यादा नहीं है कि आप वहाँ छात्रवृत्ति भी आप किस तरह से मदद करते रहे 70,000? अरे भाई मेरे, जो सवाल, एक मिनट समझ लो यार, करते हैं ना। देखिए, हम खुद स्कूल भी चलाते हैं, हम संकेत देवी के नाम से हमारा स्कूल भी, हम बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं, हम वृद्धा आश्रम भी चलाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं जो मतलब राजनीति से हट के जो काम करते हैं। मेंदुला की इस बात पर उपस्थित मीडिया कर्मियों ने जोरदार ठहाका लगाया। उल्लेखनीय है कि साल 1960 में जन्मे मेंदुला अब तक अविवाहित है। उनकी शादी की अफवाह पिछले कई सालों में कई बार उड़ी, लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया। अपने नामांकन पत्र में रमेश मेंदुला ने जो संपत्ति का विवरण दिया है उसके अनुसार उनके पास 1,21,000 रुपये नकद, 1,58,54,000 रुपये की संपत्ति, एक मारुति ब्रेजा, वार्षिक आय 12,61,000 रुपये। विधानसभा चुनाव 2018 में भाजपा ने इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से एक बार फिर रमेश मेंदुला को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं कांग्रेस ने उनके सामने मोहन सेंगर को उतारा है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के बारे में पुराने जहां से हम चालू हुए और आज जिस स्थिति में पहुंचे उसका थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहूंगा कि जब हमने केला जी के नेतृत्व में काम करना चालू किया, सार्वजनिक जीवन में काम करना चालू किया, उस टाइम कांग्रेस और कम्युनिस्टों का हुआ करता था, उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी झंडे नहीं लगते थे, मतलब उस टाइम जनसंघ की जनसंघ के झंडे नहीं लगते थे, वहाँ लोग पत्थर मारते थे, कोई सभा नहीं होते थे, फिर कोई कार्यक्रम नहीं होते थे, वहाँ भाजपा का होना मतलब कि अवतार होता था, संघ के जनसंघ का काम करना तो अवतार माना जाता। उस टाइम हमने केला जी के साथ मिलकर काम प्रारंभ किया, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, फिर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से केला जी के साथ काम किया।